मुद्दे की बात और आज बात 22 की फाइनल लड़ाई अब 54 पर चढ़ाई की, क्योंकि सातवें चरण का प्रचार थम चुका है। अब बाजी जनता के हाथ में है, जो मैदान में उतरे सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। इस चरण को जानकार यूपी चुनाव का फाइनल बता रहे हैं, जिसे जो जीतेगा वो लखनऊ पर राज करेगा। लेकिन राज करने के लिए साधना होगा वो समीकरण, जिनके बिना जीत की बात करना भी बेमानी है। यूपी का अंतिम युद्ध किससे जिताएगा यू? चक्रव्यूह का सातवां द्वार, पूर्वांचल से तय होगी सरकार, 54 सीट की महाजंग, भगवा या लाल रंग। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दौर में आ गई है। सातवें दौर का प्रचार खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 7 मार्च की तारीख पर टिकी हैं, जब यूपी के 9 जिलों की 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे, क्योंकि नेताओं को जितना जोर लगाना था, जितना पसीना बहाना था, बहा लिया। अब पारी है जनता की, जो मैदान में उतरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि सातवें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं। इनमें 1,09,00,000 पुरुष और 96,49,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,017 थर्ड जेंडर हैं। वहीं सातवें चरण में जातिगत समीकरण को साधते हुए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इस चरण में दलित और मुस्लिम की आबादी एकजुट हो जाए तो गेम बदल सकता है। आजमगढ़ में 16% मुस्लिम है और 25% दलित। वहीं मऊ में 19% मुस्लिम और 22% दलित है। जौनपुर में 11% मुस्लिम और 22% दलित है। गाजीपुर में 11% मुस्लिम और 20% दलित है। ठीक इसी तरह चंदौली में 11% मुस्लिम और 23% दलित है। वाराणसी में 15% मुस्लिम और 13% दलित है। भदोही में 13% मुस्लिम और 12% दलित है। मिर्जापुर में 8% मुस्लिम और 26% दलित है, जबकि सोनभद्र में 6% मुस्लिम और 23% दलित है। मतलब सभी जिलों में दलित और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। हालांकि पिछली बार ये समीकरण फेल हो गया था। भाजपा ने 67% सीट जीत ली थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि इस बार लड़ाई एकदम टक्कर की नजर आ रही। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस या बसपा, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी, इसका फैसला जनता का वोट तय करेगा। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सातवें चरण की 54 सीट को जीतने के लिए आज प्रचार